दोस्तों, आपको पता है टिकटॉक पे या फिर कई सारे सोशल मीडिया पे नैन्सी मोमोलैंड काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। लेकिन आपको मैं ये पहले बता देता हूँ, नैन्सी मोमोलैंड का टिकटॉक पे कोई भी अकाउंट नहीं है। जितने भी अकाउंट आप देख रहे हैं वो सारे अकाउंट फेक है। या अपने भी अकाउंट पे वीडियो अपलोड हुआ है, आप प्रोफाइल जाके चेक कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे के अंदर में सारे वीडियो अपलोड हो चुका है और यहाँ पे सारे वीडियो पे मिलियन मिलियन में लाइक है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ, जितने भी टिकटॉक आईडी पे 4 से 5 लाख हो गया हुआ है, किसी अदर व्यक्ति का वीडियो अपने आईडी पे अपलोड करते हो तो करना बंद कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। क्योंकि 4 दिन तक ट्रेंड चलेगा, ट्रेंड होने के बाद बताओ आप किसका वीडियो अपलोड करोगे। अगर किसी अदर का व्यक्ति का आप वीडियो अपलोड करते हो अपने आईडी पे, तो ये आपका आईडी 5 से 7 दिन या 10 दिन में देख लेना, आपको टिकटॉक आईडी फ्रीज हो जाएगा। और यदि आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पे 200, 400, 500 इस तरह से व्यूज आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। और फिर आप लोग डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे, आप सोचोगे हमारे वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आ रहा। तो ये सब जो गलती करते हैं इसकी वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है और इससे आपको फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे लाइक एंड फैन तो आपको बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको फ्रेम आपको नहीं मिलेगा। जो फ्रेम जो मिलेगा नैन्सी मोमोलैंड को मिलेगा। तो जितने भी आप गलती आप लोग कर रहे हो, किसी और का वीडियो अपने टिकटॉक आईडी पे अपलोड कर दो तो अपलोड करना बंद कर दो, नहीं तो इससे आप लोगों का ही नुकसान है, हम लोगों को नुकसान नहीं है। और जितने भी फैन से वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ नैन्सी मोमोलैंड का भी टिकटॉक पर कोई भी ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। तो नैन्सी मोमोलैंड ग्रुप के नाम से एक टिकटॉक आईडी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख भी सकते हैं इसका जो टिकटॉक आईडी है। तो यहाँ पे आपको 7 लाख के आसपास फैंस है और यहाँ अकाउंट जो वेरीफाइड हो चुका है। आपको लग रहा होगा हम गलत बता रहे हैं, तो ये जो है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर या फॉलोवर बढ़ा रहा है। तो बस आप लोगों को खुद समझदार हो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।